हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं एक बार आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, इडली हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, एकदम स्पॉन्जी है। और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आज हम इडली का प्रीमिक्स बनाने वाले हैं। पहले प्रीमिक्स बनाएंगे और फिर उसी प्रीमिक्स से हम इडली बनाना देखेंगे। और ये जो प्रीमिक्स है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें हम इनो का भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से सामान के साथ में चावल के आटे का भी हम यूज़ नहीं करेंगे, एकदम साधारण चीज़ों से हम इसको बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसकी सॉफ्टनेस देखकर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए ये सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनाना शुरू करते हैं। और ये जो प्रीमिक्स है ना फ्रेंड्स, इसको आप 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इडली का प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप राइस लेंगे। ये नॉर्मल राइस है, यहाँ पे मैंने चावल का आटा यूज़ नहीं किया है, चावल का यूज़ किया है क्योंकि चावल का आटा हर किसी को नहीं मिलता है। तो हम इसको 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चावल जो है वो रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसको एक बोल में निकाल देंगे। और उसी पैन को हमने दोबारा से चढ़ा लिया है, और उसी पैन में हम आधा कटोरी, यानी कि जिस कटोरी से हमने चावल नापा था ना, उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी उड़द की दाल ली है, यानी कि जो व्हाइट वाली दाल होती है वो हमने ली है। 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद में हमने गैस को ऑफ कर दिया है इस वक्त। और अब हम 1/4 कप पोहा लेंगे, यानी कि जो फ्लैटन राइस होते हैं, पोहा या चिवड़ा, उसको हम डालेंगे। और 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को अब हम रोस्ट कर लेते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, तो अब हम जिस बोल में हमने चावल निकाले थे ना, हमने राइस निकाले थे, उसी के साथ में इसको मिक्स करेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हमें इनको ग्राइंड करना है। तो आप एक ग्राइंडर ले लें और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करेंगे। एक बार में पूरे नहीं आ सकेगा राइस और उड़द की दाल, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं हम। तो यहाँ हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और साथ में ही मैंने 1 छोटा चम्मच जितना पाउडर शुगर लिया है। पाउडर शुगर डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है ना कि जो दाल होती है उसको जब हम भिगोते हैं ना, तो उसमें एक हल्की सी स्वीटनेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम दाल को भिगो नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा पाउडर शुगर डालना ज़रूरी है। 1 छोटा चम्मच हमने बेकिंग सोडा इसमें डाला था। अभी सभी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए अच्छे से छान लेंगे, और मिक्स करते हुए छानने से सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। और ये हमारा जो प्रीमिक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में रखकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, और फ्रिज के बाहर आप इसको 3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एयर टाइट कंटेनर में फिल कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक डब्बे में भर लिया है इसको। अब हम इडली बनाते हैं, तो उसी प्रीमिक्स में से मैं आधा प्रीमिक्स ले रही हूँ, लगभग 1 कप जितना मैंने प्रीमिक्स यहाँ पर यूज़ किया है। तो 1 कप प्रीमिक्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से 5 बड़े चम्मच दही यूज़ किया है। दही अगर खट्टा हो तो आप ले लें, लेकिन खट्टा ना हो, फ्रेश हो तो आप फ्रेश ले लें। मेरे पास फ्रेश दही है, ये खट्टा नहीं है बिल्कुल भी, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और अब पानी की सहायता से हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल हमें नहीं बनाना है इसका। ये देखिए, इस तरीके का घोल हमें बनाना है, क्योंकि बाद में जो दाल और चावल है वो थोड़ा सा फूल जाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट रखेंगे, और उसके बाद में हम अपनी इडली बनाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, और अब अपनी जो इडली की प्लेट्स है ना, उनको भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास इडली की प्लेट ना हो तो भी आप इडली बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो सेट हो चुका है, तो अब हम अपनी इडली की प्लेट्स को अच्छी तरह से फिल कर लेते हैं बैटर से। बिना इडली स्टैंड के हम इडली कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप मेरा चैनल देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है साउथ इंडियन रेसिपीज, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इडली बना सकते हैं हम बिना इडली स्टैंड के। तो अब हम सभी को अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं इस तरीके से, और सभी इडली की स्टैंड को हम अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हमारा स्टीमर भी तैयार है, यानी भगोने में मैंने पानी गर्म करके तैयार कर लिया था। और अब हम हाई फ्लेम पर ढक करके इसको 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, और डिपेंड करता है कि आपका स्टीमर कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। 15 मिनट के बाद हम अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। तो हम प्लेट्स को हटाकर देखते हैं, ये देखिए हमारी इडली फूल करके बिल्कुल तैयार है। एक नाइफ़ की सहायता से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नाइफ एकदम क्लियर है, इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से पक गई है। अब हम इस इडली को ठंडा करेंगे एकदम बाहर निकाल कर, और यहाँ पर हमारी इडली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं।
ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारी सारी इडली बाहर निकल जाएंगी। सभी इडलीज को हम इसी तरह से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी इडली बनकर के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास प्रीमिक्स तैयार है ना तो बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम लगेगा ही नहीं, इनको बहुत ज़्यादा आसानी से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जब भी मन चाहे तभी हम इडली बना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने बनाया, हमने इनो का यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।